तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनायस ऑनलाइन हब में। तो दोस्तों, एक बड़ा ही अपडेट निकल के आ रही है। जिन शिक्षकों के 501 से लेकर 510 तक छूटे हुए हैं, उसका जो है एग्ज़ाम डेट की घोषणा हो चुकी है और अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और नीचे में रेड कलर का दिखाई सब्सक्राइब लिखा है, वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक घंटी का आइकन आएगा, इसे भी प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन हमारे मिलती रहेगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एनआईएस डिलेड और ब्रिज कोर्स से रिलेटेड पल का अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देर न करते हुए हम लोग आज का अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक न्यूज निकल के आई है। डीएलएड की कंपार्टमेंटल परीक्षा जून में होगी। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड की कंपार्टमेंट परीक्षा जो है जून में लिया जाएगा। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि जो है डीएलएड की जो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो है जून में लिया जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डीएलएड की कंपार्टमेंटल परीक्षा जून में होगी। जी हाँ दोस्तों, कंपार्टमेंट में मतलब अगर अगर 501 से 505 तक का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कि 25 मार्च को ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद भी अगर अभी तक उसका रिजल्ट आया नहीं है, जो स्पेशल एग्ज़ाम के नाम से जाने हुए हैं, तो वो अगर उसका जो रिजल्ट आने के बाद अगर 501 से 510 तक, यानी जो अभी 10 तारीख को रिजल्ट आने वाली है, 508, 509 और 510 की, यानी उसके बाद अगर आपका 501 से लेकर 510 तक किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं, तो आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को देकर अपने डीएलएड को कंप्लीट कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 501 से 510 तक किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आप कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर अपने डीएलएड को पूरा कर सकते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये न्यूज पेपर की माध्यम से ये निकला हुआ है, देख सकते हैं, और ये छपरा से निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, और ये न्यूज छपरा से निकल के आई है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि डीएलएड की कंपार्टमेंटल परीक्षा जून में होगी। यहाँ पर देख सकते हैं, और आगे देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी एनआईएस द्वारा आयोजित डीएलएड की परीक्षा का फाइनल रिजल्ट इसी महीने के अंतिम सप्ताह में आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया हुआ, उस पर पूरी एनालिसिस करके बनाया हूँ कि डीएलएड का जो रिजल्ट 10 मई से पहले आ रहा है कि नहीं, तो उस वीडियो का आवाज़ देखे, पूरी एनालिसिस करके इस वीडियो को बनाया हूँ, इस वीडियो का आवाज़ देखे। नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और नीचे में हमारे फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो लिंक वहाँ पर दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक लिखा हुआ है कि डीएलएड की परीक्षा का परिणाम रिजल्ट इसी महीने के अंतिम सप्ताह में आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी महीना के अंतिम सप्ताह में आ सकता है। और आगे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा जो है मार्च में 21 केंद्रों में आयोजित की गई थी। जी हाँ दोस्तों, जो फाइनल जो हुआ था 15 और 16 मार्च को, जो 21 केंद्रों पर आयोजित किया गया था। और आगे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसमें करीब 12,000 अप्रशिक्षित शिक्षक शामिल हुए थे। ये पूरी इंडिया की नहीं बात कर रही है, ये छपरा से निकल के आई है, यानी छपरा ज़िले के यहाँ पर 12,000 शिक्षक वहाँ पर शामिल हुए थे। हालांकि 31 मार्च तक ही परिणाम जारी कर सभी शिक्षकों को ट्रेन कर देने का प्रमाण पत्र देना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, एनआईएस के गाइडलाइंस के अनुसार कहा था कि जो एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार था कि 31 मार्च तक कोई भी शिक्षक अगर सरकारी या गैर सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं तो उसे जो है हटा दिया जाएगा। अगर आप एक ट्रेन शिक्षक यानी अगर आप कोई एक ट्रेन शिक्षक नहीं किए हैं तो, या डीएलएड या बीएड नहीं किए हुए हैं तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं तो एनआईएस ने एक जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस जारी किया था बाद में कि हम जो है 31 मार्च तक सारे एग्ज़ाम ले लेंगे, उसके बाद रिजल्ट हम बाद में निकालेंगे उसकी जो है, तो उसका जो 31 मार्च ही माना जाएगा।
तो दोस्तों ये जो है सीवी शर्मा ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 31 मार्च तक परिणाम जारी कर सभी शिक्षकों को ट्रेन होने की प्रमाण पत्र देना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और परीक्षा, यहाँ पर देखा जाए परीक्षा मार्च के अंतिम दौर में ली गई और मार्च के अंतिम दौर में ली गई यानी 15 और 16 मार्च को। उसके बाद आगे देखेंगे तो लिखा है कि पूर्व पूर्व के तीनों सेमेस्टर की हुई परीक्षा एवं परिणाम को देखते हुए, यानी उस परीक्षा और परिणाम को देखते हुए संभावना है कि फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा में भी शिक्षक फेल होंगे। यानी जो फाइनल सेमेस्टर की जो परीक्षा है, यानी NIS की 3 सेमेस्टर की परीक्षा आ चुकी है और फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा यानी रिजल्ट जो है 10 मई से पहले कभी भी आने की संभावना जताई जा रही है मीडिया और न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो दोस्तों यहां पर देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है कि संभावना है कि फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा में भी शिक्षक फेल होंगे, यानी फाइनल सेमेस्टर में यानी 508, 509 और 510 का जो रिजल्ट आने वाली है 10 मई के अंदर किसी भी दिन आ सकती है। तो उसमें अगर आप फेल हो जाते हैं तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होगा, जो ये रिजल्ट होने के बाद अगर आप फेल हो जाते हैं तो 501 से 510 तक किसी भी सब्जेक्ट में अगर फेल होते हैं तो आप कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके अपने DELED को पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों आगे देखेंगे तो लिखा हुआ है कि जिसे देखते हुए NIS ने पूर्व से ही कंपार्टमेंटल यानी पूरक परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की थी। जी हाँ दोस्तों, पूरक परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की थी। हमें अभी उसका भी हम दिखाने वाले हैं कि कब किया था जारी। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं आयोजित करने की घोषणा की थी। उसके बाद आगे देखें तो लिखा हुआ है कि मालूम हो कि आगे लिखा हुआ है यहाँ पर कि मालूम हो कि केंद्र सरकार ने निर्देशन 31 मार्च 2019 के बाद निजी एवं सरकारी दोनों तरह के विद्यालय में अब केवल प्रशिक्षक शिक्षक ही रहेंगे। यानी NIS के NCT के गाइडलाइंस के अगर देखा जाए तो 31 मार्च तक कहा गया था, तो इसका भी अभी तक बिहार में एक दो जगह इसका जो एक्शन लिया जा रहा है किसी किसी वहां पर क्षेत्र में कि एक अगर जो अनट्रेंड है वहां पर जो है अनट्रेंड शिक्षक पर उस पर कार्रवाई किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों तरह के विद्यालय में अब केवल प्रशिक्षक शिक्षण ही रहेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंपार्टमेंटल यानी जून में संभावित है कंपार्टमेंटल परीक्षा। NIS द्वारा संचालित DELED कोर्स का अंतिम परिणाम प्रकाश होने के साथ ही पूरक परीक्षा भी तिथि घोषणा हो जाएगी। जैसे आपका जो है रिजल्ट आ जाता है 508 से लेकर 510 का जब रिजल्ट आ जाता है उसी के एक दो दिन के भीतर जो है कंपार्टमेंट के डेट की घोषणा कर दी जाएगी। और आगे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि NIS द्वारा संचालित DELED कोर्स का अंतिम परिणाम प्रकाश होने के साथ ही पूरक परीक्षा की तिथि भी घोषणा की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, की जरूर अवश्य की जाएगी। अगर आप 501 से 510 तक किसी भी सब्जेक्ट में क्रॉस कर जाते हैं तो आपको ये कंपार्टमेंट परीक्षा फॉर्म को भर के और आपने DELED को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये हमने जो CV शर्मा ने घोषणा किया था यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको ये न्यूज़। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये न्यूज़ कुछ पहले निकला था और इसका वीडियो भी हम बनाए हुए हैं, आप हमारे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि DELED फेल शिक्षक दे पाएंगे कंपार्टमेंटल परीक्षा, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो न्यूज़ CV शर्मा यानी NIS के जो निर्देशक हैं प्रोफेसर CV शर्मा ने ये बात कही थी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये न्यूज़पेपर और मीडिया के माध्यम से निकला हुआ न्यूज़ है, hindustan.com के माध्यम से देख सकते हैं। और यहाँ पर रिजल्ट की भी बात की जा रही है कि दूसरे सप्ताह में रिजल्ट की आने की यहाँ पर जारी किया जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा ही अपडेट था। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट मिलती है NIS DELED ब्रिज कोर्स से रिलेटेड और अदर गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड, और जो भी ऑफिशियली मिलती है और उसका हम प्रूफ दिखाते हैं तभी आप लोग के बीच शेयर करते हैं। तो मिलते हैं किसी नए अपडेट में और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और नीचे में दिए गए
बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस तरह का अपडेट आपको मिलती रहती है।